Hello everyone, welcome back to Funtaleentertain. तो आज हम जिस सॉन्ग पे रिएक्ट करने वाले हैं वो है हम सबके फेवरेट अक्षय कुमार का गाना, जो अभी 3 दिन पहले ऑन एयर हुआ है और मैंने अभी तक उसको सुना नहीं है क्योंकि मुझे वो आपके साथ ही देखना था। और उसकी जो लिरिक्स दी है वो जानी ने दी है और उन्होंने इस सॉन्ग को गाया है वो बीप्राक है। तो आप समझ सकते हैं जानी और बीप्राक जहाँ पे दोनों एक साथ आ जाएं वो तो धमाल और कमाल ही मचाता है। उसके बाद अगर उस सॉन्ग के अंदर अक्षय कुमार हों तो क्या ही बात है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए पहले सॉन्ग सुनते हैं, उसके बाद आगे की बातें करेंगे। लगता रूम में रह गए। अरे दौलत या शोहरत दुआ लोगे तुम, या कोई महल नया लोगे तुम। म्यूजिक। अरे दौलत या शोहरत दुआ लोगे तुम, या कोई महल नया लोगे तुम। यार मेरे तू बता दे मुझे, ओ यार मेरे तू बता दे मुझे, ओ मेरी जिंदगी से जाने का क्या लोगे तुम। ऐसा थोड़ी होता है, ओ इश्क भी कोई चीज है, खुदा है दवा है, ओ जा जानी तुझे मेरी ये बद्दुआ है, कि चाहोगे जिसको गवा लोगे तुम, जो करते हो शायरी भुला लोगे तुम। भाई अभी टू भी कंटिन्यू है, मतलब क्या आप मार ही डालोगे। तो अब इसके बारे में क्या ही बोला जाए, क्योंकि जिस तरह से इसको कंपोज किया गया, इसकी बीट्स, इसकी म्यूज़िक, इसके लिरिक्स, सबने मिलके जो धमाल मचाया। और अगर मैं ये बोलूँ तो मेरा ये बोलना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि जैसे बहुत सारे लोग मिलके दाल पकाते बट उसमें जो तड़का लगाता है नाम उसी का होता है। बट इसमें भी यही चीज़ें हुई हैं कि सबने अपनी मेहनत तो की, लेकिन जो अक्षय कुमार की एक्टिंग हुई, जो एक्सप्रेशंस उसके जाहिर हुए, क्योंकि जिस तरह से वो गाना गा रहे हैं माइक लेके, उसमें उनकी नस जो आ रही है, अगर आप गौर कीजिएगा
तो न सुन के फूल रही, तो उससे लग रहा है कि वही एग्जैक्टली गाना गा रहे हैं। और पी प्राक की आवाज़ तो अक्षय कुमार से बहुत ही ज़्यादा मैच करती है, लगता है कि उनकी आवाज़ है सेम टू सेम, जो बहुत ही ज़बरदस्त लगा मुझे ये सॉन्ग। और इसकी एक एक लिरिक्स, कोई ये नया नहीं है कि मतलब अगर आप देखो तो इस तरह के बहुत से ऐसे सॉन्ग आ चुके हैं, हम ये नहीं बोल सकते कि एकदम नया है मार्केट में, एकदम नया आया इस तरह का कोई सॉन्ग नहीं, नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं है। बट उसको कंपोज करने का तरीका, उसमें उसको फिल्म करने का तरीका, एडिट करने का, और म्यूज़िक बीट सारी चीज़ें, और इसमें थोड़ी सी जो मुझे मतलब अगर आप भी देखोगे सुनोगे तो उसमें जैसे थोड़ा सा कव्वाली का एक फ्लेवर आ रहा है, कि उसकी जो म्यूज़िक और बीट्स आ रही है वो थोड़ा सा कव्वाली साइड पे आ रही है, कव्वाली में, और इसको मिक्स करके जो इन लोग ने ये कंपोज किया है ये बहुत ही ज़बरदस्त है। और अगर बात करें बीप्राक और जानी की, तो जैसे लगता है जानी का गाना बीप्राक के लिए बना है और बीप्राक अक्षय कुमार के लिए ही गाते हैं, तो ये इनका जो कॉम्बिनेशन है वो बिल्कुल मतलब एक कॉम्बिनेशन इनका एक किलर है। और अगर साथ साथ हम लिरिक्स की बात करें तो जानी जी, जानी भाई की लिरिक्स किसी की तारीफ़ की मोहताज नहीं है, क्योंकि उनके जितने भी सॉन्ग हो, चाहे ये हों चाहे कोई भी सॉन्ग हो, मैंने उनके बहुत से सॉन्ग सुने भी हैं, बहुत से सॉन्ग अभी भी नहीं सुने होंगे, बट उनके मुझे 100% श्योर है कि उनके जितने भी सॉन्ग होंगे वो एक से बढ़कर एक होंगे। तो आपको ये सॉन्ग कैसा लगा, अगर पसंद आया हो मेरी वीडियो, मेरा रिएक्शन पसंद आया हो तो उस पर एक लाइक तो बनता है। आप हमारे चैनल पे नए हो तो अभी जाकर सब्सक्राइब कर लेना, वहाँ पे एक बेल आइकन होगा उसको भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।